तो दोस्तों आज हम राजस्थान वनरक्षक के लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि टाका उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? जल संरक्षण का, ठीक है। अगला सवाल है कि वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियाँ कितनी हैं? तो आपको याद रखना है बोलियाँ हैं 73, ठीक है। कौन सी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार? तो 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल है कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है यह मुख्यालय उदयपुर में, ठीक है। कौन सा मुख्यालय? महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय। अगला सवाल है कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित हुई? तो आपको याद रखना है यह स्थापित हुई अमर सागर में, ठीक है। कौन सी परियोजना? पवन ऊर्जा परियोजना। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी को आकड़ा, नारा, रैणी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है सरस्वती नदी को। किन नामों से जाना जाता है? आकड़ा, नारा एवं रैणी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की? तो आपको याद रखना है यह स्थापित की थी वैदिक मंत्रालय, ठीक है। वैदिक मंत्रालय सामाजिक संस्था की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है यह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है कि खलजी मस्जिद जिसे हजीरा वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, यह किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है नागौर जिले में। कौन सी मस्जिद? खलजी मस्जिद। अगला सवाल है कि आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी थी? तो आपको याद रखना है यह राजधानी थी चंद्रावती, ठीक है। अगला सवाल है कि पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? तो आपको याद रखना है इनकी पहचान है थेवा कला में, ठीक है। किसकी? पद्मश्री महेश राज सोनी की। अगला सवाल है कि सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है यह हुआ था अजमेर में, ठीक है। अजमेर में किसका जन्म हुआ था? तो हरिविलास शारदा का जन्म हुआ था, यह सामाजिक सुधारक थे। अगला सवाल है कि आहू एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आपको याद रखना है यह सहायक नदियाँ हैं काली सिंध की। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको याद रखना है पचपदरा जैसलमेर, यह सही नहीं है युग्म। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। किसका उत्पादन होता है? अफीम का। कहाँ पर होता है? सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होता है। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्यवाद्य है? तो आपको याद रखना है राज्यवाद्य है अलगोजा। अगला सवाल है कि खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है? तो कहाँ की लोकप्रिय है? जैसलमेर की, ठीक है। जैसलमेर की सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है, कौन सी? खड़ीन। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य चिन्ह में उक्ति लिखी गई है जो दृढ़ राखे धर्म को ती ही राखे करतार, अर्थात जो दृढ़ता से धर्म की रक्षा करता है भगवान एकलिंगनाथ जी उसकी रक्षा करते हैं? तो आपको याद रखना है यह किसका राज्य चिन्ह है? तो आपको याद रखना है यह है मेवाड़ का, ठीक है। राज्य चिन्ह में उक्ति लिखी गई है कहाँ पर? मेवाड़ में। अगला सवाल है कि जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है यह थे इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो आपको याद रखना है यह मिले हैं बागोर से, ठीक है। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? तो आपको याद रखना है यह संबंधित था शाकंभरी चौहान वंश से। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। अगला सवाल है कि राजस्थान के उस राज्य का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजी शासन के पूर्व ही 1698 ईस्वी में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना अमरशाही रेख द्वारा ही कर दी थी जो देश आज़ादी तक विद्यमान रही थी? तो आपको याद रखना है वह राज्य था मेवाड़, ठीक है। वह राजस्थान के मेवाड़ राज्य वह राज्य था जिसमें अंग्रेज शासन के पूर्व ही 1698 ईस्वी में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना अमरशाही रेख द्वारा ही कर दी गई थी।
जो देश आज़ादी तक विद्यमान रही। ठीक है, तो वह कौन सा राज्य था? मेवाड़ राज्य। अगला सवाल है कि राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस समूह में होता है? तो आपको याद रखना है, यह होता है बाड़मेर, जालौर, नागौर और पाली समूह में होता है। किसका सर्वाधिक उत्पादन? तो जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, कौन सा समूह? बाड़मेर, जालौर और नागौर और पाली। अगला सवाल है कि वालर प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सिरोही जिले का। ठीक है, सिरोही जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वालर है। अगला सवाल है कि देवेंद्र झाझड़िया संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? एथलेटिक्स से। ठीक है, एथलेटिक्स से संबंधित है कौन? देवेंद्र झाझड़िया। अगला सवाल है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, वह रियासत थी बूंदी रियासत। ठीक है, बूंदी रियासत वह रियासत थी जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी। अगला सवाल है कि सुमिलित युग्म नहीं है, तो कौन सा सुमिलित युग्म नहीं है? पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयनक ने लिखा था, चंद्रवरदाई ने नहीं लिखा था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई। अगला सवाल है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था, तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। अगला सवाल है कि झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? तो आपको याद रखना है, वह शासक था, इसका तो मेरे को पक्का आंसर नहीं पता है, इसलिए ये भी मेरे को आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में आपको पूछूंगा कि इसका जवाब क्या है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जिसका सही हुआ उसको 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 शाउट आउट मिलेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि तकावी का अर्थ है, तो तकावी का अर्थ क्या है? कृषि कार्य के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना। ठीक है, अगला सवाल है कि भगत आंदोलन संबंधित है, तो भगत आंदोलन किससे संबंधित है? गोविंद गिरी से। ठीक है, गोविंद गिरी से संबंधित क्या? भगत आंदोलन। अगला सवाल है कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंध है? तो आपको याद रखना है, यह है मेवाड़ राज्य से। ठीक है, मेवाड़ शैली से संबंध है। किस चित्रकार का? तो रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना का। राजपुताना की किस शैली से संबंध है? तो मेवाड़ शैली से संबंध है। अगला सवाल है कि कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? तो आपको याद रखना है, यह भाग है कुंभलगढ़ किले का। ठीक है, अगला सवाल है कि जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? तो यह भी आपको मैं कमेंट में पूछूंगा। ठीक है, इन दोनों के जवाब आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं, और जिसने सही जवाब सर्वप्रथम दिए उसे मैं शॉर्ट आउट दूंगा। ठीक है, यानी कि वापस जवाब दूंगा। अगला सवाल है कि बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो आपको याद रखना है, बैंगटी है हड़भुजी का। ठीक है, हड़भुजी का पवित्र स्थल है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है? तो आपको याद रखना है, यह उपनाम है उपयुक्त सभी का। अगला सवाल है कि राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है टोंक ज़िले में। ठीक है, तो कौन सा संस्थान? राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? टोंक में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, तो कहाँ पर है? सेवर में। अगला सवाल है कि डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति एवं अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, यह संबंध है पंचायत राज सुधार से। अगला सवाल है कि डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति एवं अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, यह संबंध है पंचायत राज सुधार से। अगला सवाल है कि होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है फाल्गुन माह में। ठीक है, फाल्गुन माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगला सवाल है कि विज्ञान के क्षेत्रों में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो आपको याद रखना है, यह माना जाता है स्वाई जयसिंह का। ठीक है, स्वाई जयसिंह का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला सवाल है कि लोधरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको याद रखना है, यह प्रसिद्ध है जैनी जाति के लिए।
अगला सवाल है कि सुरई क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था? तो आपको याद रखना है यह प्रचलन था, तो इसका भी उत्तर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यह भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न हो गए, और तीनों ही प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला सवाल है कि डॉक्टर सलीम अली का संबंध है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध है घना राष्ट्रीय पार्क से, ठीक है। अगला सवाल है कि कार्तिक महीने में चंद्रमा भागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है यह आयोजित होता है झालरापाटन में, ठीक है। झालरापाटन में आयोजित होता है क्या? कार्तिक महीने में चंद्रमा भागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है झालरापाटन में, ठीक है। अगला सवाल है कि इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? तो आपको याद रखना है यह बताया है क्षत्रियों से, ठीक है। किसने बताया? इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, ठीक है। तो किसके संबंध में बताया? तो राजपूतों के संबंध में बताया कि उनकी उत्पत्ति हुई है क्षत्रियों से। अगला सवाल है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, तो हुआ था कहाँ पर? हुआ था अलवर में, ठीक है। अगला सवाल है कि चोकला कौन से पशु की नस्ल है? तो आपको याद रखना है यह नस्ल है भेड़ की, ठीक है। भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला है। अगला सवाल है कि लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह संबंधित है कूचामणि से, ठीक है। कौन? लच्छी राम। अगला सवाल है कि ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है यह आयोजन होता है बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में किस उत्सव का आयोजन होता है? तो आपको याद रखना है ऊंट उत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर? बीकानेर में। अगला सवाल है कि तर्रे सरपंच बालाबंदी दुगदुगी गोसपेच पछेवड़ी लटकन फतेहपेच आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है यह धारण किए जाते हैं पगड़ी में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस मंदिर को झारखंड बैजनाथ के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है वह मंदिर है सारणेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है, जिसे झारखंड बैजनाथ का मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको 50 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, और अगर आपने तीनों प्रश्नों का आंसर अभी भी दे दिया है तो बहुत अच्छा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।